गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत, नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। भाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा की 500 XUV गाड़ी। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है भाई, 2012 मॉडल। और एक बार गाड़ी आपको बाहर से दिखाता हूँ, पहले पूरी गाड़ी, फिर उसके बाद अंदर से दिखाऊँगा गाड़ी की कंडीशन क्या है। इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर रहता था, ब्राउन और बेज कलर के अंदर। और गाड़ी की जो रूफ थी भाई, गाड़ी की छत्ती बहुत ही बेहतरीन थी। ये अलग ही कपड़ा था, कुछ रैक्सिन से बना हुआ था कपड़ा, बहुत ही अच्छा लगता था गाड़ी के अंदर। और अभी आपको एक बार पिछले सीटें दिखाता हूँ, कितनी खुली डुली गाड़ी है ये। यहाँ से खोलते हैं भाई, यहाँ पर गैप देखो आप, कितना गैप है गाड़ी के अंदर देखो। बाकी ये है कि गैप देखो गाड़ी के अंदर कितना है। एक बार विनोद बैठिए गाड़ी के अंदर भाई, अभी विनोद पीछे बैठेगा और इसके बाद का स्पेस आपको दिखाते हैं। देखो अभी भी फ्रंट सीट और इसके घुटने के अंदर ना एक फिट का पूरा का पूरा फर्क है भाई, गैप है। तो आप देख सकते हैं कितनी खुली डुली गाड़ी है अंदर से। जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो ना, तो गाड़ी को चलाने में और गाड़ी में घूमने फिरने का बैठने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि गाड़ी है खुली डुली। और अब इसके बाद थोड़ा सा गाड़ी का राउंड लेते हैं और फिर आपको बताएँगे गाड़ी चलने में कैसी है ये। भाई अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और एक बार थोड़ा सा गाड़ी की ट्राई मार के आते हैं बाहर, लेके चलते हैं इसको वर्कशॉप से। ₹2013 मॉडल गाड़ी आई है अभी जिसको हम चला रहे हैं। वैसे महिंद्रा ने XUV को 2011-12 में लॉन्च किया था, तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी की चलाई बहुत ही बढ़िया है। यदि आप गाड़ी चलाओगे तो आपको फील होगा कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। और भाई ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ अभी 1,05,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। जब गाड़ी हमारे पास आई तो हमने इसके दो पीस पेंट किए हैं, गाड़ी की क्लच प्रेशर प्लेट डाली है और भी छोटा मोटा काम गाड़ी के अंदर हुआ, गाड़ी की सर्विस भी हुई है, तो काफ़ी काम हुआ भाई। गाड़ी का बिल जो बना है इसका लगभग 50,000 के आसपास का बिल बना है टोटल। और अगर इसकी बात करें अभी टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ आपको दिखाता हूँ इसका। तो टायर इसका है 235/65 17 इंच का अलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर आता है। अगर इस गाड़ी के फंक्शन के बारे में बताऊँ ना आपको, इतने ज़्यादा फीचर इस गाड़ी के अंदर हैं मैं आपको बता नहीं सकता भाई, इतने ज़्यादा फीचर हैं इस गाड़ी के अंदर। और महिंद्रा ने पहली बार किसी गाड़ी में इतने फीचर दिए थे, बाकी इसके मुकाबले किसी 50 लाख की गाड़ी में भी इतने फीचर नहीं थे जितने फीचर महिंद्रा ने इस गाड़ी में 2011-12 में और 12-13 लाख के मॉडल में ही दे दिए थे भाई। इतने ज़्यादा फीचर 12-13 लाख रुपये में दिए थे, बहुत ज़्यादा फीचर थे ये। इस गाड़ी के एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ और डैशबोर्ड पर इस गाड़ी के फीचर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं ना भाई, ये था इस गाड़ी में स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन। जब आप किसी भी स्टॉप पे रुकोगे, लाल बत्ती पे रुकोगे, रेड लाइट पे कहीं भी रुकोगे ना, तो आपने जैसे ही गाड़ी का क्लच दबाया ना, 2-3 सेकंड के बाद गाड़ी बंद हो जाती थी, और जैसे ही आप दोबारा क्लच दबाओगे गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये फंक्शन है। तो भाई ESP की जो फुल फॉर्म है ना, वो है इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिसे ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। आजकल जो गाड़ियाँ हैं उनमें ट्रैक्शन कंट्रोल के नाम से आता है ये। और इसके साथ ही आपको इसमें दिखेगा, जिसमें ये गाड़ी छपी हुई है नीचे की ओर, ढलान की तरफ दिखाई दे रही है आपको। ये हिल वाला फंक्शन है भाई, जब भी आप कहीं पहाड़ों पे जाओगे ना, ये वाला जो फंक्शन है, यदि आपने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे ही आपकी गाड़ी पहाड़ों से नीचे उतरती है ना, और आप कई बार गाड़ी का जैसे ध्यान नहीं रहता और क्लच दबा लेता है बंदा, तो उस टाइम में गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है नीचे की तरफ जब गाड़ी उतरती है। इसको ऑन करने के बाद गाड़ी की बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ेगी, गाड़ी अपने आप ब्रेक मारेगी, आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप ही ब्रेक मारती है। ये इसका वो फंक्शन है भाई, महिंद्रा ने इसमें ऐसे ऐसे फंक्शन दिए थे आपको बता नहीं पाता। और इसके अंदर भी आप देखोगे ना, चारों टायरों का जो एयर प्रेशर होता है ना, वो मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर था भाई 2011-12 मॉडल में भी इस गाड़ी के अंदर, जो आजकल हुंडई क्रेटा वगैरह में आता है ना, ये महिंद्रा ने 11-12 में दे दिया था फंक्शन इसके अंदर। और इसमें CD का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पेन ड्राइव का ऑप्शन भी है इसके अंदर, बहुत सारे फंक्शन थे भाई इस गाड़ी के अंदर। और अभी मैं इसको टोटल जो फंक्शन है वो आपको गिना नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी में फंक्शन भाई इतने हैं, इसके लिए मेरे को ये सारा डिस्प्ले वगैरह इसका चलाना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके जो पहले बटन आते थे ना,
आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे बटन यहाँ पे मिलेंगे, और ये यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलेगा। देखो 2011-12 मॉडल में भी इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल आता था, और ये यहाँ पे हॉर्न महिंद्रा का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। और भाई सामान वगैरह इसके अंदर रखने के लिए ना देखो इतनी जगह है, ये देखो एक ये यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और भाई तीसरा यहाँ पे, ये देखो कितनी जगह है भाई इस गाड़ी के अंदर सामान आप रख सकते हो। और यहाँ पे देखो चौथा यहाँ पे भी गाड़ी का रिमोट रखा है बीच में, और भी सामान आप पर्स वगैरह अपना यहाँ रख सकते हो। और दूसरा आप इसको दोबारा से उठाएंगे ना भाई, ये इसका ना फ्रीजर है, यहाँ पे आप छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल कुछ भी इसके अंदर रखोगे तो उसको एसी चलेगा ना गाड़ी का, तो इसको भी साथ के साथ वो ठंडा कर देता है। इसके अंदर रखा हुआ सामान आपका ख़राब नहीं होगा, फ्रीजर सिस्टम का काम करता है ये। इस तरह से कुछ महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी बनी हुई थी, और अभी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइट आई है ना, इस गाड़ी में एयर प्रेशर कम है फ्रंट टायर में, तो ये वही शो कर रहा है कि गाड़ी के अंदर एयर प्रेशर कम है, गाड़ी में फ्यूल भी कम है। तो ये देखो यहाँ पे भी लाइट इसकी ऑन हो रही है, तो काफ़ी सारे फंक्शन है भाई गाड़ी में। एक बार गाड़ी को बंद करता हूँ भाई, अभी आपको ना इसका एक और बड़ा अच्छा फंक्शन दिखाता हूँ मैं। ये जो बटन है ना, ये है इसका रेड कलर की लाइट गाड़ी के अंदर ऑन होती है, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर की लाइट है। और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये देखो, और जितने भी इसके हैंडल है ना गाड़ी के, ये देखो यहाँ पे भी रेड कलर की लाइट ऑन है। हैंडल के अंदर भी आप देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पे भी आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी। इसके अंदर दिखाता हूँ, वहाँ से देख नहीं रही, इसके अंदर देखो भाई, ये देखो यहाँ पे भी रेड कलर की लाइट है। और भाई गाड़ी में यहाँ पे नीचे रेड कलर की लाइट है, पीछे भी आप देखोगे जितने भी गाड़ी के अंदर हैंडल है ना टोटल सबके अंदर ही आपको रेड कलर की लाइट मिलेगी। और भाई जब इसको रात को आप कहीं जा रहे हो, इसको रात को ऑन करते हैं ना, तो बड़ा ही लग्जरी फील होता है इस गाड़ी के अंदर। और इस लाइट का जो बटन है ना वो आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये लाइट ऑफ होती है। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो लाइट है ना वो बंद हो गई, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये देखो ये लाइट ऑन होगी। तो भाई इस तरह के कुछ इसके अंदर फीचर थे भाई, बहुत ही लग्जरी गाड़ी बनाई थी महिंद्रा ने ये। और अभी गाड़ी का जो मैं किलोमीटर आपको बता रहा था, एक बार मीटर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 1,05,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है, कोई ज़्यादा चली नहीं है भाई। महिंद्रा की गाड़ियों को 1,00,000 में कुछ नहीं बिगड़ता। और आज की जो डेट है भाई 2013 मॉडल जो गाड़ियाँ हैं ये मिल जाएंगी आपको 3,00,000 की रेंज में। सेकेंड हैंड गाड़ी आप लोगे तो 3,00,000 की रेंज में आपको मिल जाएगी भाई। बस सिर्फ देखने वाली बात क्या होती है कि आपको ये देखना है कि गाड़ी प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। अब ये गाड़ी अगर मेंटेन है तो इसमें कोई कमी नहीं है गाड़ी में, आप इसको ले सकते हो, गाड़ी बहुत बढ़िया है नो डाउट महिंद्रा की। अभी पीछे से भी एक बार आपको गाड़ी दिखाता हूँ। स्पेस की बात करें तो भाई इसके अंदर फुल स्पेस है, और 7 सीटर गाड़ी है ये, इसकी पीछे की सीट है देखो, थर्ड रो में भी आपको फुल स्पेस मिलेगा। ये देखो लेडीज या बच्चे पीछे बड़े आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। और मेन बात यह है भाई, देखो इसमें अलग से एसी दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, पिछले रो के लिए अलग से एसी है थर्ड रो के लिए, तो बड़े आराम से इसमें जो भी बैठेगा एसी का फुल मज़ा आएगा उसको, क्योंकि पीछे फ्रंट से भी ज़्यादा चिल्ड ये गाड़ी पीछे करती है जो बंदे पीछे बैठे हैं। इसमें बीच वाली सीट में आप बैठोगे तो यहाँ पर आपको एसी मिलेगा, ये देखो। और एयरबैग की बात करें भाई, इस गाड़ी के अंदर सीटें के अंदर भी एयरबैग हैं। इस तरह से कुछ गाड़ी का फ्रंट का व्यू है, पीछे से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही लंबी तगड़ी गाड़ी है। अब एक बार इसकी डिग्गी खोल के आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ से आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो ये है गाड़ी का थर्ड रो, ये है गाड़ी का यहाँ पे सेकंड रो, और वो है फर्स्ट जहाँ पर ड्राइवर बैठता है। तो ये देखो कितनी लंबी गाड़ी है भाई यहाँ से। तो भाई अगर बात करें इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट की, तो इसकी सिंपल सर्विस जो है वो होती है लगभग 5,000 के आसपास, और इसकी अगर बात करें सिंपल सर्विस है जो 3.5 से 5 के बीच में होती है। अगर बात करें इसकी मेजर सर्विस की, तो मेजर सर्विस पे खर्चा आता है इसका 6 से 7 के आसपास। तो भाई गाड़ी की माइलेज की बात करें, तो ये गाड़ी मेरे पास भी है महिंद्रा की एक्सयूवी ऑटोमेटिक, उसकी जो मैंने माइलेज लिया भाई हाईवे पे माइलेज देती है वो लगभग 14 से 15 के बीच में, 14, 14.5, 14, 14.5 मैक्सिमम उसकी एवरेज आती है, और लोकल में उसकी एवरेज है 11-12 के आसपास। तो ये जो महिंद्रा है एक्सयूवी मैनुअल, ये मेरे पास भी थी पहले, मैंने 2015 में ली थी, और 2013 का ही मॉडल था वो जो मैंने लिया था 2015 में। तो भाई उस टाइम मैंने ये गाड़ी चलाई थी लगभग 20,000 के आसपास, 20,000 किलोमीटर के आसपास, फिर मैंने सेल कर दी थी। फिर मैंने इसका नया मॉडल क्रेटा ले ली थी बीच में, उसके बाद मैंने नया मॉडल लिया था 2018 में महिंद्रा का एक्सयूवी ऑटोमेटिक वाला मॉडल। तो उस टाइम इसकी जो मैंने एवरेज इस गाड़ी की निकाली थी तो 15 से 16 के आसपास तक देती थी मैनुअल में, ऑटोमेटिक में देती है 14-14 के आसपास भाई, 14, 14.5। तो ये इसकी कुछ माइलेज है गाड़ी की। यदि आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो आपको बड़े ही बेस्ट रेट में आज के टाइम पे मिल जाएगी 12-13 मॉडल गाड़ी, 12-13, 14-15 ये जो मॉडल हैं सारे, 3, 3.5,
4 लाख से नीचे मिल जाएंगे आपको अच्छे वाले मॉडल आप यदि गाड़ी ढूंढोगे तो। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, यह है गाड़ी का थोड़ा खर्चा ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये भाई छोटी गाड़ी नहीं है, 7 सीटर गाड़ी है और लग्जरी गाड़ी में आती है, ऊंची गाड़ियों में आएगी। आप ऑफ रोडिंग के अगर शौकीन है तो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आप इसके साथ भी कर सकते हो, जैसे आप गाड़ियाँ चलाते हो ना भाई, गाड़ियों के लिए जो भी ऑफ रोडिंग है वो ये गाड़ी कर सकती है, 90% तो कर सकती है। देखो अगर बिल्कुल ही आप इसको स्नो में लेके जाओगे, बर्फ़ में 1-1 फीट बर्फ़ में जाके घुसाओगे तो वहाँ पे तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। बाकी मैंने इस गाड़ी से एक्सयूवी से स्पीति भी किया है, लद्दाख भी किया है, 2 बार मैं लद्दाख जा चुका हूँ, मेरे को नो डाउट कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई महिंद्रा एक्सयूवी में। और ये है 2012 का मॉडल, मेरा है 2018 का मॉडल अभी जो मेरे पास है गाड़ी, वो मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो भाई इसके फंक्शन थे जो थोड़े बहुत मैंने आपको बता दिए, बाकी इसमें फंक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा फंक्शन है। अगर इसकी रूफ़ की बात करें ना भाई, या मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो इसमें सनग्लास होल्डर, यहाँ भी आपको मिलेगा सनग्लास होल्डर। और भाई ये देखो इसका लाजवाब एक फंक्शन था, ये आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में घूमने जा रहे हो और आप गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हो, आप बार बार पीछे गर्दन करके तो नहीं देखोगे। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से ना आपको पूरी गाड़ी के अंदर जो भी आपके फैमिली मेम्बर बैठे हैं ना, वो आपको सारे दिखेंगे यहाँ से, और उनसे आप सबके साथ बात कर सकते हो। यहाँ से आप उनसे बात करोगे, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जो भी आपके साथ बात कर रहा है पीछे प्रॉपर आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई बैठा है वो भी दिखेगा, उसके पीछे कोई बैठा है वो भी दिखेगा, इसका ये फंक्शन है। और इसमें भाई जो छत की रूफ लाइटें थी ना, देखो ये भी उस टाइम पे भी LED लाइटें आती थी इसके अंदर, ये आपको दिखा देता हूँ भाई। और पीछे की लाइटें भी दिखाता हूँ रूफ़ की एक बार आपको, ये देखो पीछे की लाइटें आप देखो, ये सारी लाइटें हैं ना इसकी, जो सारी लाइटें LED लाइट हैं इसके अंदर, कोई भी लाइट ऐसी नहीं है आपको कि सिंपल येलो कलर में जलेगी, बिल्कुल वाइट आपको मिलेगी। और बहुत ही सुंदर प्यारी गाड़ी है, देखो इसके अंदर आप बैठोगे तो आपको लग्जरी फील ही आएगा। तो भाई आज का अपना वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई बने रहना नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है, उसमें हम आपको दिखाएंगे मारुति की न्यू मॉडल ब्रेजा, ब्रेजा गाड़ी आपको दिखाएंगे, ब्रेजा हमारे पास आ रही है अभी, उसकी वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी, वेट करना भाई हमारे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए जय हिंद।